बड़वानी जिले के ग्राम धाबा बाईड़ी में 30 लाख से अधिक की लूट का आज प्रेस वार्ता में खुलासा किया गया। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले ड्राइवर व उसके सेठ को गिरफ्तार करते हुए दोनों आरोपियों से 36,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। दरअसल बड़वानी के पास धाबा बाईड़ी में धार जिले के ड्राइवर भगवान बघेल ने कोतवाली थाने पहुंचकर सीएम के साथ आंखों में मिर्ची डालकर 30 लाख से अधिक की लूट होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लूट की रिपोर्ट दर्ज होने के तत्काल बाद एसपी दीपक कुमार शुक्ला, एएसपी सहित पुलिस की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गए। विवेचना के दौरान जब पुलिस को ड्राइवर की इस कहानी पर शक हुआ तो पुलिस ने सख्ती से ड्राइवर भगवान बघेल से पूछताछ की, जिसमें वो टूट गया और सारी वारदात सामने आ गई। ड्राइवर भगवान बघेल का सेठ मनोज पाटीदार, जो कि धार जिले के खंडुआ पिपलिया में रहता है, व्यापारियों के बीच मिडिलमैन का काम करता है। मिडिलमैन द्वारा इतनी बड़ी राशि हड़पने की लालच में लूट की योजना बनाई गई। योजना अनुसार रास्ते में कुछ लोगों द्वारा आंखों में मिर्ची डालकर पैसे लूटने की योजना बनाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने तत्परता व मामले को गंभीरता से लेकर इस झूठी लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया। ड्राइवर ने बताया कि इस पैसे में से 5 लाख उसके पास रखे थे, बाकी 31,50,000 रुपए अपने सेठ मनोज पाटीदार को दे दिए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 36,50,000 की राशि जब्त की। देखिए, कल देर रात हमारे कोतवाली थाने में एक सूचना मिली थी। एक फरियादी आया हमारे सामने, उसने कहा कि थाने से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो सिलावत रोड है, वहाँ पर वो पैसे लेके जा रहा था अपने मालिक के, और कुछ लोग आए, रास्ते में उसका रास्ता रोका और उससे लगभग 30 लाख रुपए छीन के ले गए एक बैग में। चूँकि बड़ी घटना थी, तत्काल ही हमने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया और हमारी पूरी टीम, जो एडिशनल एसपी एसडीओपी हमारे थाने के प्रभारी हैं, मैं स्वयं वहाँ पे तत्काल मौके पे गया अपनी साइबर की टीम को लेके, और इसमें हमने अपनी अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य में लगाई, विवेचना शुरू की। इसमें हमने सबसे पहले फरियादियों से बात की। प्रथम दृष्टया ही जैसा कि कुछ ऐसे पहलू हमारे संज्ञान में आए थे जो कि मामले को संदेहास्पद बना रहे थे, जब हमने इसमें अलग अलग साक्ष्य इकट्ठा किए, जो हमारे साइबर साक्ष्य हैं, जो अन्य पूछताछ में हमारे बिंदु आए, और जब हमने जो हमारे फरियादी थे उनसे इस बातों को रखा उनके सामने, तो वो उसमें संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। लगातार पूछताछ के बाद इसमें जो ड्राइवर था वो टूट गया और उसने कबूला कि हाँ साहब, ये हमसे गलती हो गई और हमने इसको एक जो घटना थी, हम ये पैसा लेना चाहते थे और हमने इसको लूट का रूप देने की कोशिश की और पुलिस में झूठी FIR हमने दर्ज कराई। उसके बाद रात में ही हमारी टीम इनको लेके पैसे की बरामदगी के लिए निकली और इसमें से कुल हमें 36,50,000 रुपये बरामद हुए, जो इन्होंने वहाँ से गायब करने की कोशिश की थी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रकरण में अभी आगे की भी पूछताछ जारी है कि ये पैसे कहाँ से लेके आ रहे थे और आगे क्या होने वाला था इस पैसे का। तो एक तरह से जो ये एक अत्यंत गंभीर घटना प्रथम दृष्टया हमारे संज्ञान में आई थी और जो कि पूर्णतः झूठी थी, 12 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इसमें पूरी रात भर काम करते हुए इसको क्रैक करने में और इसकी सत्यता तक पहुंचने में सफलता हासिल की है और पूरा का पूरा न सिर्फ मशरूका हमने बरामद किया है बल्कि जो दोनों मुख्य आरोपी थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इसमें एक मनोज है और दूसरा भगवान है, ये दोनों ही धार जिले के रहने वाले हैं और यहाँ से ये पैसे लेके वापस धार जा रहे थे। पाटीदार ये एक व्यापारी तौर का व्यक्ति है जो कि एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह बेचता है और फिर उसमें से जो कलेक्शन राशि आती है उसमें से कुछ इनका प्रतिशत होता है, तो एक तरह से मिडिलमैन का काम करते हैं ये लोग, मूलतः व्यापारी। ये राशि जैसा कि अभी बता रहे हैं कि सेंधवा में किसी व्यापारी से लेके आ रहे थे और इनको आगे किसी अन्य व्यापारी को देना था, तो मूलतः ये मसला उन दोनों के बीच का था। ये सिर्फ जैसा मैंने कहा मिडिलमैन का काम कर रहे थे।